आज हम आपको सोल्डिंग आयरन से सोल्डिंग करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले एक हमारे पास सोल्डिंग आयरन होना चाहिए, पेस्ट होना चाहिए, कंपोनेंट सोल्डर और पीसीबी जिस पर हम सोल्डिंग करते हैं। तो दोस्तों, जिसको हमें सोल्डर करना है इस कंपोनेंट को किसी भी चीज़ से, रेगमाल से या किसी चाकू वगैरह से साफ कर लेना चाहिए, जिससे इसकी सोल्डिंग अच्छी हो पाए। ऐसे ही कैपेसिटर हम साफ कर लेते हैं। दोस्तों, जहां हमें सोल्डिंग करनी होती है यहां भी कार्बन नहीं होना चाहिए। कार्बन होगा तो सोल्डिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, और जहाँ सोल्डर करते हैं वहाँ पेस्ट लगाना चाहिए जिससे ड्राई सोल्डिंग ना हो। तो दोस्तों, हम ये ट्रांजिस्टर लगाते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने इसकी कटिंग कर दी है, और एक बार दोबारा से फिर इसके ऊपर सोल्डर कर देते हैं। ये देखो, मेरी परफेक्ट सोल्डिंग हो गई है। अब मैं कैपेसिटर लगाता हूँ, एक आपको दिखाता हूँ। कैपेसिटर लगा के प्लस का प्लस में जाएगा, माइनस का माइनस में जाएगा। और मैं पेस्ट लगा लेता हूँ इसके ऊपर, जिससे परफेक्ट सोल्डिंग हो जाए। दोबारा से फिल कर देना चाहिए इसको, ऐसे किया। दोस्तों ये कितनी अच्छी हुई। दोस्तों पीसीबी को सोल्डिंग करने के बाद पेट्रोल या आइसोप्रोपाइल से साफ कर देना चाहिए, जिससे ये ड्राई सोल्डिंग ना हो। जैसे ये मेरी ये ड्राई सोल्डिंग हो रही है ये वाली, तो मैं इसको भी पेस्ट लगा के दोबारा से सोल्डर कर देता हूँ। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।